इवनिंग दोस्तों, आज का दिन यकीनन ऐतिहासिक दिन है और आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि मैं किस विषय के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। दरअसल मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि बलात्कारी बाबा को 20 साल की सजा मिली, मुझे इस बात की भी खुशी नहीं है कि आज वो किस तरह से अदालत के सामने गिड़गिड़ाया, किस तरह से वो जमीन पर लौटने लगा, कहने लगा कि मेरी सजा कम कर दो, किस तरह से उसने ये कहा कि मुझे जेल मत भेजो क्योंकि वहां अच्छा खाना नहीं मिलता है, मुझे चाय नहीं मिलती है। नहीं, मुझे इस बात की बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। आज जानते हैं मुझे खुशी किस बात की है? आज मुझे खुशी इस बात की है कि आज ताकत के खिलाफ हौसले की जीत हुई है। आज ताकत के खिलाफ एक कमजोर इंसान की जीत हुई है, क्योंकि मेरा मानना है कि इस धरती का जो असली वारिस है ना, इस धरती का जो असली वारिस है वो इस दुनिया का सबसे कमजोर इंसान है, क्योंकि इसी कमजोर इंसान की उम्मीदों, इस महत्वाकांक्षाओं पर चढ़कर, इसकी महत्वाकांक्षाओं की बलि चढ़ाकर एक ताकतवर इंसान बनता है, बाबा राम रहीम जैसा इंसान बनता है। यह हकीकत है। यही वजह है कि मुझे आज का यह फैसला हौसला दे रहा है। और आज जब यह फैसला आया है तो आपको खुद से यह सवाल पूछना है कि तुम किसके साथ खड़े हो, हौसले के साथ, हौसले वालों के साथ, या फिर ताकत वालों के साथ। दोस्तों, वो जो लेटर, वो खत जो उन साध्वियों ने लिखा था जिनके साथ दुष्कर्म हुआ था, बलात्कार हुआ था, उसकी मैं कुछ पंक्तियां आपको पढ़ाना चाहता हूं और इन पंक्तियों के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनकी लड़ाई कितनी मुश्किल थी। उन लड़कियों ने खत लिखा था, जब मैंने अपने घर वालों से इस बारे में बात की कि वो, तो वो मुझसे गुस्से में कहने लगे कि अगर भगवान के पास रहते हुए ठीक नहीं है तो ठीक कहां है, तेरे मन में ही बुरे विचार आने लग गए हैं, सतगुरु का सिमरन किया कर। ये बात कौन बोल रहा है? ये उन दो साध्वियों के माता पिता कह रहे हैं, ये उन दो साध्वियों के माता पिता कह रहे हैं जिनको उन्हें समर्थन देना चाहिए था। आप सोच सकते हैं कितनी मुश्किल लड़ाई है उन औरतों के लिए। उनका अपना परिवार उन्हें समर्थन नहीं दे रहा और वो ये कह रहे हैं कि तू सतगुरु के पास जा, उन्हीं का सिमरन कर। वो सतगुरु जो इनका बलात्कार कर रहा था, वो सतगुरु जो उनसे ये कहता है, सुनिए बलात्कार करने से पहले क्या कहा था उसने। हमारी सरकार में बहुत चलती है, हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के केंद्रीय मंत्री हमारे चरण छूते हैं, राजनेता हमसे समर्थन लेते हैं, पैसे लेते हैं और हमारे खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। हम तुम्हारे परिवार से नौकरी लगे सदस्यों को बर्खास्त करा देंगे, सभी सदस्यों को मरवा देंगे, कोई सबूत तक नहीं छोड़ेंगे, ये तुझे अच्छी तरह से पता है। ये बलात्कारी बाबा राम रहीम ने इनसे कहा था और वो सिर्फ धमका नहीं रहा था, ये हकीकत में हुआ है। क्योंकि जिस पत्रकार प्रजापति ने इनकी आवाज को बुलंद किया और उसने अपनी अखबार में इनकी गुमनाम चिट्ठी को छापा था, कुछ ही दिनों बाद उसे पॉइंट ब्लैंक गोली मार दिया गया। एक पत्रकार को गोली मार दी गई, वो पत्रकार जो इन मजलूमों की आवाज को उठा रहा था। तो बाबा जब यह धमकी दे रहा था तो गलत नहीं कह रहा था। अगर वो अपने अनुयायियों का, अपने सपोर्टर्स को कैस्ट्रेट कर देता था, उनके अंग को काट दिया करता था, जब उस पर आरोप लगा एक पत्रकार को गोली मार देने का, जब इस तरह से ये लड़कियां कह रही हैं कि हम आपस में बात भी नहीं कर सकती थी, लड़कियां को यदि कोई लड़की आवाज उठाती तो बाबा का आदेश है उनका मुंह बंद कर दो, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी वहशत में, किस कदर के नरक में ये औरतें रही होंगी। और आज इनकी जीत हुई है, आज इस हौसले की जीत हुई है, आज इस देश के सबसे कमजोर इंसान की जीत हुई है। और किसके खिलाफ जीत हुई है? ये
ये जीत हुई है ताकत के खिलाफ। यही वजह है कि आज का दिन हम सबके लिए जश्न का दिन है। आप जानते हैं जब मैंने अंशुल को देखा, अंशुल दरअसल उस पत्रकार प्रजापति का बेटा है जिससे गोली मार दी गई थी, जिस मामले में अब बहुत जल्द फैसला होने वाला है। तो जब मैंने अंशुल को आज देखा ना, और जब मैंने देखा कि वो उसी घर से आज के इस फैसले का स्वागत कर रहा था जहां पर उसके पिता को मार दिया गया था, तो अंशुल को देखकर ना मेरा मन हुआ मैं उसे गले लगा लूं। आप सोचिए क्या जज्बा होगा इस परिवार में। वो अपने पिता को खो चुका है, पूरे परिवार को लेकर उसके जहन में डर है, और आज वो सामने आया अंशुल। उसने अपने उसके जहन में उसके पिता की शहादत भी रही होगी। और होता क्या है, और होता क्या है, जब ये साध्वी की जीत हो जाती है, जब अदालत इसे दोषी मानता है, तो बीजेपी के एक सांसद साक्षी महाराज क्या कहते हैं कि अदालत ने इन दो साध्वियों को तो सुन लिया मगर उन लाखों करोड़ों लोगों को नहीं सुना जो कि बाबा राम रहीम के भक्त हैं। अरे ये दो साध्वी थीं, ये बलात्कार पीड़ित थीं, और ये हमारे हुक्मरान हैं, ये मूर्खाधिपति साक्षी महाराज जो कि सांसद हैं हमारे, ये हमारी नुमाइंदगी करते हैं, किसके साथ खड़े हैं? क्योंकि सरकारें तो इस देश का जो सबसे कमजोर इंसान है ना, उसके साथ खड़ा होना चाहिए ना सरकार को। मगर जब आपके सांसद देश के कमजोर इंसान के साथ ना खड़े होके ताकत के साथ खड़े हो रहे हों, तो आपको सोचना होगा कि ये क्या हो रहा है। मैं इस पर तफसील से बात करूंगा। मैं बात कर रहा था अंशुल की, मैं एक और शख्स की यहां बात करना चाहता हूं। मेरे दोस्त हैं अनुराग त्रिपाठी। अनुराग त्रिपाठी वो पत्रकार हैं जिन्होंने अपनी स्टोरी ऑपरेशन झूठा सौदा के जरिए बाबा राम रहीम की बलात्कारी बाबा की कारगुजारियों को दुनिया के सामने लाए थे। जिस दिन यह फैसला आने वाला था, अनुराग अचानक अपने परिवार के साथ गायब हो गए। अनुराग अगर ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं तो अनुराग आप मुझे माफ कीजिएगा, मैं इसका जिक्र कर रहा हूं। अनुराग अचानक गायब हो गए थे और अनुराग का यह कहना था कि मेरी जान को खतरा है। देखिए, अनुराग से मेरा जो संपर्क है ना, वो ये नहीं कि वो मेरे दोस्त हैं या वो एक पत्रकार हैं, बल्कि अनुराग का एक और एक्सटेंशन है, उनका अपना परिवार। और अनुराग में मुझ में एक और समानता है, हम दोनों ना थोड़े सर फेरे से बाप हैं। हम दोनों अपने बच्चों से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, और यही वजह है कि मेरा अनुराग के साथ एक लिंक है वहां पे। और जब एक शख्स इस तरह से खौफ से घिरा दिखाई दे, और इसलिए नहीं कि उसे अपने बारे में कोई डर है, क्योंकि उसे डर है अपने परिवार को लेकर, तो आप समझ सकते हैं ये जंग अपने आप में कितनी गंभीर, कितनी मुश्किल हो जाती है। और आज का ये दिन सलाम करना है ऐसे लोगों को जो अपनी तमाम मजबूरियों के चलते, अपनी तमाम कमजोरियों के चलते सामने आए, उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा, चाहे प्रजापति का परिवार हो। प्रजापति को गोली मार दी गई मगर प्रजापति के परिवार ने स्वाभिमान के साथ इस लड़ाई का सामना किया। उन दो साध्वियों ने, जिनके हम चेहरे तक नहीं जानते, उन दो साध्वियों ने कितनी कितनी उनपे दबाव थे, कितने दबाव थे उनके ऊपर। उनकी लड़ाई एक ऐसे शख्स के साथ थी जिसने हर किस्म के अपराध किए होंगे। और हमारी सरकारें क्या करती हैं? आज जब फैसला आया तो बीजेपी के नेता अनिल जैन क्या कहते हैं, हमें तो इन फैसलों को स्वीकार करना होगा। अरे, आज एक कमजोर इंसान की जीत हुई है महोदय, आज जश्न का दिन है, दिल खोल के स्वागत तो कीजिए इसका, स्वागत तो कीजिए इस बात का। मगर होता क्या है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो साध्वियों के खिलाफ बयान देते हैं, जैसे साक्षी महाराज ने दिया। खट्टा मंत्री हैं, वो के साथ हैं, और इनकी कोई जवाबदेही है?
साक्षी महाराज ने जिस तरह का वाहियात बयान दिया, क्या उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई भी जवाब तलब किया? क्या उनसे जवाबदेही की गई कि तुमने इतना वाहियात बयान क्यों दिया जो बलात्कार पीड़ितों के खिलाफ था? क्या रामविलास शर्मा, जो कि शिक्षा मंत्री, जिन्होंने जो नतमस्तक हो गए थे उस बलात्कारी बाबा के खिलाफ, जिन्होंने बाद में कहा था कि 144 हम श्रद्धा पे कैसे, श्रद्धा पर हम धारा 144 कैसे लगा सकते हैं, और फिर उनका उत्पात हमने अगले दिन देखा, जिसका खमियाजा किसी और को नहीं उन्हीं बेचारे बाबा रहीम राम रहीम के भक्तों को भुगतना पड़ा, क्योंकि 36 के आसपास लोग मारे गए। आप सोच सकते हैं उनके परिवारों में क्या हालत होगी इस वक्त। और इस सरकार की प्राथमिकता क्या है? साक्षी महाराज का बयान देख चुके हैं, जवाबदेही कोई तय नहीं की जा रही है, मनोहरलाल खट्टर को तुरंत सैक कर देना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारी सूचना प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी क्या करती हैं? स्मृति जी एक महिला हैं, और इनका इनकी प्राथमिकता क्या है? वो एक एडवाइजरी जारी कर देती हैं कि चैनल्स ऐसा कवरेज ना करें जिससे मामला भड़क जाए। अरे, तुम्हारी हरियाणा सरकार की नाकामी, जिसके चलते वो 36 लोग मारे गए, सड़क पे त्राहिमाम मचा हुआ है, वहां बर्बादी मची हुई है, और हम जवाब तक ना लें, हम उसकी कवरेज तक नहीं करें। नहीं, समझ नहीं पा रहा हूं कि हम किस काल में जी रहे हैं, हम किस दुनिया में जी रहे हैं जहां जवाबदेही नाम की कोई चीज ही नहीं है, और जवाबदेही के नाम पर कुछ भी होता है। आप देखिए, हठधर्मिता देखिए, अकड़ देखिए, एरोगेंस देखिए, कोई जवाबदेही ना साक्षी महाराज की अपनी वाहियात बयान के लिए, ना मनोहरलाल खट्टर की है, और स्मृति जी उल्टा न्यूज चैनल्स पर बरस पड़ती हैं कि आप अंकुश लगाइए खुद के ऊपर। तो दोस्तों, वाकई बहुत ही अजीब और गरीब स्थिति है। आप में से कई लोग मुझे इनबॉक्स करते हैं, और मुझसे मेरे कई दोस्त मुझे मैसेजेस करते हैं कि यार, तुम तो बड़े सीधे बोल देते हो, बेबाकी से बोल देते हो, तुम्हें डर नहीं लगता। मैं जब लोग मुझसे ये कहते हैं ना, तो मुझे बड़ी हैरत होती है, क्योंकि अपने ब्लॉग्स के जरिए मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा हूं, मैं अपने ब्लॉग्स के जरिए आपके सामने सिर्फ तथ्य रख रहा हूं, और वो तथ्य रखना एक गुनाह है क्या आज की तारीख में? प्रजापति ने सिर्फ तथ्य रखा था, अनुराग त्रिपाठी अपनी रिपोर्ट के जरिए तथ्य रख रहे थे, वो साध्वी जो अपनी बात कर रही थी, जिनके चलते ये आदमी 20 साल के लिए जेल में गया है, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई, अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे थे। हकीकत बयां करना है, इतना बड़ा गुनाह हो गया है इस सरकार के अंतर्गत। आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि राजनीतिक तौर पर कोई विकल्प नहीं दिखाई देता? बहुत ही दुखद और बहुत ही वाहियात स्थिति है, मैं आपको बता रहा हूं। किसी तरह की कोई जवाबदेही नहीं है, और हम जो है चीजों को बस दूसरों पर मढ़ना जानते हैं एक तरह से। मगर मेरा मानना है कि जवाबदेही तय होगी, जवाबदेही तय होगी, आज नहीं तो कल। मैं ये उम्मीद करता हूं कि सरकार ये समझेगी कि आज की तारीख में वो कहां खड़ी है। कम से कम मुझे लगातार जो तमाम मैंने आपको सामने बयाना दिखाई है, चाहे खट्टर के खटारा मंत्री और उनके नेता हों, चाहे हमारी सूचना प्रसारण मंत्री हों, चाहे हमारे सांसद साक्षी महाराज हों, इन सब की प्राथमिकता दरअसल ताकत वालों के साथ खड़े होने है। आज भी जब फैसला आया, तब भी बीजेपी के नेता जिस तरह के बयान दे रहे थे, मानो कि अभी भी उनके जहन में यह है कि भैया किसी तरह से मुझे वोट मिल जाए, बाबा राम रहीम के समर्थकों के, किसी तरह से मुझे वोट मिल जाए। अरे, ये वोट लेके आप करोगे क्या? और आप बीजेपी को बना क्या रहे हो भाई? आप क्या बना रहे हो बीजेपी को? आप आत्मा खत्म करके इसे बस एक वोट गैदरिंग मशीन बना देना चाहते हो। एक सियासी पार्टी जब लोगों की संवेदनाओं की तरफ ध्यान देना भूल जाती है ना,
ये उसके खात्मे की पहली निशानी होती है। आप 2019 भी जीत जाइए लोगों में दोहराव पैदा करके, आप 2024 भी जीत जाइए, और 2024 के बाद आप कभी चुनाव भी मत कराइए। मगर अगर आप यह सोच रहे हैं कि महज दोहराव के बल पे, महज राजनीतिक अवसरवादिता के बल पे आप जो है हकीकत को मोड़ पाएंगे, हकीकत से मुंह चुरा पाएंगे, तो उससे बड़ी त्रासदी इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकती। बहरहाल, अंत में मैं एक बार फिर सलाम करना चाहूंगा इस हौसले को, इस कमजोर इंसान के हौसले को, जो मेरे हिसाब से इस धरती का असली वारिस है। मेरा सलाम इस हौसले को, मेरा सलाम इस सच्चाई को, क्योंकि इसने चुनौती दी है ताकत को। गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए। आपकी जो भी टिप्पणियां हैं मेरे ब्लॉग पर, इस ब्लॉग को शेयर करके आप अपनी ऊपर टिप्पणी लिख सकते हैं। शुक्रिया, नमस्कार।